हाय बस, आज हम आपको उषा एलियो मशीन का डेमो और प्लस घर पे सर्विस कैसे की जाए ये बताएंगे। ठीक है, आप आइए। जब भी आपको मेरे पास सर्विस में आइए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ज़्यादातर जल्दी कोई इशू आता नहीं। ये बहुत टफ मॉडल है उषा का और बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। बहुत माने बहुत अच्छा मॉडल है। आप देख सकते हो ये हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कचरा फंसा हुआ है। इसे हमें छोटा सा हल्का सा कपड़ा लेना है और इसे सही से साफ कर देना है। आप देख सकते हो कचरा ऐसे इस हिसाब से निकल जाएगा। कोई टाइम भी नहीं लगता और टेक्नीशियन जल्दी नहीं आता है, तो हम अपना काम खुद भी कर सकते हैं। कभी कभार अगर हम लोग को घर पे ही करना है, आप देख सकते हो। एकदम क्लीन हो चुका है। इसके बाद हमें ये सेटल निकाला हुआ इसे वापस रख देना है। आप ये याद रखें कि नीडल ऊपर हो तब निकालें, यानी कि इस पोजीशन में रहेगा। और ये देख सकते हो ये नोक वाला भाग नीचे वाले पोजीशन में जाएगा। बहुत ही आसान है इसे लगाना। इसके बाद ये आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक लॉक पिन दी है, इसे हमें बराबर सेंटर में इसके अंदर रखना है, ये ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। फिर ये दो लॉक को हमें लगा देना है। ओके, उसके बाद बॉबिन केस। इससे पहले मैंने उषा के ड्रीम टीच का भी डेमो दिया हुआ है। आपके अगर ड्रीम टीच हो तो आप ड्रीम टीच का भी डेमो देख सकते हो। अब हम आपको बॉबिन लगाना बता देते हैं। यहाँ रखा, यहाँ से यह कट है, कट में से अंदर लिया और सीधा यहाँ पे आ जाएगा धागा, आप देख सकते हो। इसके बाद हमें ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक खाँच बनी हुई है। इसमें हमारा बॉबिन केस, ये जो डंडी है, इसे हमें यहाँ पे रख के अंदर पुश कर देना, ठीक है। इसे हमने यहाँ लगाया। अब हम आपको ऊपर का धागा थ्रेडिंग करना दिखाएंगे। तो मैं हमारे जो टेक्नीशियन है, उन्होंने कहा कि पहले नीडल, बहुत सारे कस्टमरों को नीडल का बहुत ज़्यादा इशू होता है और नीडल के बारे में जल्दी देख नहीं पाते। और ये बहुत आसानी से आपके घर अगर पेचिया हो नहीं हो तो आसानी से हाथ से भी खुल जाता है। आप देख सकते हैं ये खुला, इसे हमने नीचे खींचा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक नीडल में एक खाच बनी है, यानी कि चपटा भाग बोलते हैं, प्लेन भाग, ठीक है। एकदम प्लेन भाग है, फुल शटल की जैसे इसको देखने उल्टी सीधी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये प्लेन वाला भाग जाएगा अंदर की साइड और ऑटोमेटिकली सुई सीधी ही लगने वाली है, ठीक है। ये प्लेन भाग को आप ऐसे पकड़िए, इसके अंदर डाला इसके, और हमेशा याद रखिए यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है। आप वहाँ तक नीडल पूरी ऊपर तक ले लीजिए, क्योंकि बहुत बार कस्टमर जो भी होते हैं, मेरी बहनें पूरी नीडल लेती नहीं है ऊपर तक। और उसके बाद जैसे ही हमें पूरी नीडल हमें लग गया कि हाँ अब सही से लगी है, फिर इसे हमें हाथ से ही टाइट कर देना है। मैंने जैसे कहा कि उषा की बहुत मस्त मशीन है, टफ मशीन है, आपको इससे कोई कंप्लेन नहीं आएगी। आप देख सकते हो यहाँ मैंने पहले धागा रखा, उसके बाद मैंने यहाँ, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एरो भी बना होता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ से लिया और ये गार्ड में हमें ऐसे लिया और यहाँ से सीधा हम यहाँ पे लेकर और सीधा नीडल में डालेंगे।
आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको थ्रेडिंग करनी हो तो इसे प्रेशर पुट को ऊपर कर ले, तो ये आपका धागा एकदम लूज आ रहा है, ठीक है, एकदम लूज आ रहा है। और जैसे ही आप थ्रेडिंग करके इसे प्रेशर पुट को नीचे रखेंगे दाती के ऊपर, देख सकते हो आप। और हमेशा याद रखें, बहुत लोग ऐसा झटके से रखते हैं, ऐसा बिल्कुल ना रखें, दाती के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो आप इसे बहुत प्यार से रखिए इधर ऐसे, और देखोगे आप जैसे ही, तो ये धागा टाइट हो गया, देख लीजिए, ठीक है, टाइट हो चुका है। और आज हम फिर हम आपको चलाना बताएंगे। और हल्का सा ये देखिए व्हील है, इसे नीचे दबा के आप पहले एक बार धागा बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने का मीनिंग ये है कि आप जैसे ही धागा बाहर निकालोगे आपको पता चल जाएगा धागा टाइट है या ढीला है वो भी, और प्लस आपका धागा कहीं फंसेगा नहीं। और इसे मैं हर मशीन में बताता हूँ कि पीछे के साइड ढकेल दो। और हम आपको अब बताएंगे, यहाँ दो डायल दिए गए हैं, एक लेंथ के लिए है और एक टिचिस के लिए है, ठीक है। हमने सिलाई को ए पे रखा है, आप देख सकते हो, ए यानी कि ओनली नॉर्मली सिलाई होगी। बहुत लोग मेरे को बताते हैं कि सर इसमें मोटा काम होता है क्या, मैं बोल रहा हूँ इसमें जींस तक चलती है, आपको उषा मशीन बिल्कुल निराश नहीं करेगी। आप इसके ऊपर कोई भी कपड़ा चला सकते हो, कोई भी माने कोई भी चीज कपड़ा चला सकते हो, ऐसे ही इंटरनेशनल कंपनी नहीं है। आप देख सकते हो अभी हम ए पे करेंगे ओनली फॉर सिलाई, सॉरी, आप देख सकते हो ये सिलाई है कितनी बेहतरीन से टाका आ रहा है, बहुत ही, जिस तरह से यहाँ से है उसी तरह से यहाँ पे है। और बहुत लोगों का धागा अगर नीचे से लूज आ रहा हो, यानी कि दाने दाने आपको दिखाई दे रहे हो, तो देखिए ये अभी जो टेंशन है ये पाँच पे है। आपको अगर इसको देखना है कि चार पे है पाँच पे है, तो यहाँ पे इसके सामने एक ग्रिप दी हुई है, आप यहाँ पे रखोगे यानी कि ये फाइव पे आ गया है, यहाँ पे रखोगे यानी कि ये फोर पे आ गया है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि नीचे मेरा ऊपर वाला धागा नीचे दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें टाइट करना है, ये पाँच पे ले लेना, फिर एक बार चला के देख लेना, फिर छः पे ले लेना, आप नाइन तक जाने दे सकते हो जैसे आपको लगे, ठीक है। मैंने हमारी सिलाई अभी फ़िलहाल फोर पे सेटिंग है। अब हम आपको सिलाई से एक और वोल्टेज करना बताएंगे, वोल्टेज यानी कि जिगजाग। आप देख सकते हो यहाँ पे बी के बाद सी दिया गया है, सी पे पूरा ले लेना है हमें, हमें अगर वोल्टेज करना हो तो। हाँ, आपको अगर ये झिकझैक की लेंथ अगर छोटी चाहिए तो आप बीच में कहीं पे भी रख सकते हो, देख रहे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी डिजाइन ट्राई करेंगे। आप धागा यहाँ से ही सेटिंग आप दो पे ही रखें, ठीक है। अब हम आ गए डी पे, बराबर चलो। देख सकते हो ऐसी सिलाई आती है, बहुत ही अच्छी, दुपट्टे में हम लोग डिजाइन भी कर सकते हैं इसे, ये बिल्कुल झिकझैक जैसी दिखती है। उसके बाद अब हम आएंगे ई पे, मैं आपको बारी बारी सारी सिलाई चला के दिखा रहा हूँ, तो आपको कभी डेमो लेने की नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं पड़े, देख सकते हो आप। अब हम आएंगे एफ पे, देख सकते हो
अब हम आएंगे जी पे। ये तीनों रीजन एक जैसी दिखती है, खाली वर्जन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब हमें करनी है नीचे की डबल सिलाई, आप देख सकते हो। ठीक है, इसे हमें वापस ए पे ले जाना है, ए पे लेना ले जाना है। और आप हमेशा याद रखें, जब भी आप इसे घुमाएं तो निडल ऊपर होनी चाहिए, नाई के नीचे। बहुत कस्टमर नीचे रखते करते हैं, वैसा ना करें। ए पे रख देनी है और इस डायल को हमें एस पे कर देना, एस एस प्लस बराबर सेंटर में। ठीक है, अब होगा हमारा नीचे वाला प्रोग्राम चालू। ठीक है, ए पे आप देख सकते हो, एक जगह पे तीन टाका पड़ेगा, फिर एक निकल आगे जाएगी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। बहुत ही बेहतरीन टाका, और जैसे जीन्स में चलता है ना, हमें बहुत लोगों को जीन्स की सिलाई वह बहुत पसंद आती है, क्योंकि उसमें तीन जो जैसे टाके दिखते हैं। देख सकते हो आप कितनी मोटी सिलाई दिखती है, बहुत ही बेहतरीन सिलाई आती है। देख लिया आप, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम डिट्टो सिलाई, एकदम जीन्स जैसी आती है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे बी पे। बी पे थोड़ा सा बड़ी सिलाई दिखती है, दोनों एक ही जैसी दिखती है। तो आप ए पे ही मारे, मेरे ख्याल से थोड़ी सी हल्की सी बड़ी आती है, कोई इशू नहीं है। अब हम आ जाएंगे सी पे। ठीक है, अब हम आज आ गए हैं सी पे। सी पे बहुत बेहतरीन सिलाई झिकझाक जैसी दिखेगी। आप देख सकते हो ये डिजाइन बढ़िया लगती है, एक जगह पे तीन टाके पड़ते हैं, मस्त दिखती है, हमारे झिकझाक से कहीं ज़्यादा बेटर दिखती है। अब हम जाएंगे डी पे। देखिए बहुत बढ़िया फूल जैसी डिजाइन आई है। आप दुपट्टे में कर सकते हो, या अपने ड्रेस पे कर सकते हो। हल्का सा जीन्स पे भी डिजाइन मार सकते हो। ये मशीन ऐसी जो साउंड नहीं देती है, एक झिकझैक जैसा ही दिखता है, पर एक नया वर्जन दिखता है। अब हम जाएंगे एफ पे। देख सकते हो, अब हम जाएंगे लास्ट डी पर। आपने देखा, मैंने आपको पूरा डेमो बता दिया है। ओके, अगर आपको अभी बॉबिन भरना देखना है तो मैं आपको बॉबिन भरने वाला भी दिखा देता हूँ। आप सिलाई एक बार लुक देखिए इसका, जैसे बिल्कुल यहाँ से भी आप पहचान नहीं पाओगे तो मैंने ये साइड से चलाया है या ये साइड से चलाया है। बहुत ही बेहतर, और ये पैंट का कपड़ा है, बहुत मोटा कपड़ा है। अब हम आपको बॉबिन भरना बताएंगे, आप देख सकते हो। अभी हम आपको बॉबिन भरना सिखाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक है, इसे हमने अंदर डाला। इसके बाद हमने यहाँ पे हमारी बॉबिन रखी, ये थोड़ी हार्ड जाती है। इसके बाद इसे हमने लपेट लिया हल्के हाथ से और इसे हमने पुश कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे एक व्हील दिया गया है, इसे हमें बाहर खींच लेना है। देख सकते हो यहाँ से, ये
यहाँ से, उसके बाद सीधा यहाँ से, देख सकते हो ना, ये अंदर रहेगा तो मशीन चलेगी, ये अंदर नहीं बाहर रहेगा तो ओनली फॉर बॉबिन चलेगी, आपको मशीन चलेगी नहीं। आप देख सकते हो आपके समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी बॉबिन भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे दो दिया है, एक आप काम यूज़ भी कर सकते हो और एक में बॉबिन भी भर सकते हो। अगर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसे शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब तो अवश्य करिए। आपको अब हम अगला वीडियो देंगे सिंगर के बारे में। चलिए, थैंक यू।